राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जैसा कि आपने अभी तक देखा है, राजनामा टीवी ने जो स्टिंग ऑपरेशन चलाया था मनीष मूवर्स एंड पैकर्स की धांधलियों के खिलाफ और एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाया था, उस पर लोगों की शिकायतों का भरमार है। कैसे मनीष मूवर्स एंड पैकर्स ने लोगों को लूटा है, और अब तो ये भी पता चला है कि पुलिस की साठ गांठ से मनीष मूवर्स एंड पैकर्स अलग अलग नाम से नई कंपनी खोलकर अपना ये लोगों को लूटने का काम चला रहा है। आइए सुनते हैं कुछ बातों के अंश। शुरू से करता आ रहा है, कितना साल हो गया ऐसा करते हुए? लगभग इसको डेढ़ साल हो गए, डेढ़ दो साल। अच्छा, कितने लोगों का ये करीब करीब ये पैसा खा गया होगा? कितने लोगों का? बहुत लोगों का, मतलब लगभग 200 से ऊपर का खा चुका है। और जो भी करते हैं ना, ये बात गाँव से मतलब की लोगों को बुला लेता, जो उनके तक के पैसे खा जाता है, उनके पैसे भी नहीं देता। जो ड्राइवर वगैरह करते हैं उनके पैसे भी नहीं देता है। ये लोग कितना अर्निंग कर लिया है ये सब करके, उल्टा सीधा करके? उल्टा सीधा देखो, एक स्कैम से अगर मिनिमम 20,000 भी गए तो 200 स्कैम का देख लो कितना हो गया होगा। तो इसके क्या गाड़ी वाड़ी कितने रखे है लोग आपस में अपने में? गाड़ी इसके पास तीन गाड़ियां हैं, आपको तीन को गाड़ी के पास इसके नंबर है, आईपी है, मैं आपको भेज दूंगा। एक टीपी का बैच के पास, तो जितने भी गाड़ियां है ना उसका नंबर भेज दो। और पहले जो राज, क्या बोले, राज एक्सप्रेस के नाम पे बता रहे हैं। राज एक्सप्रेस, और जो पिकअप है ना, पिकअप की मतलब की जो क्या बोलते हैं वो कागज वगैरह भी खत्म हो गए थे इसके, और पिकअप से इसको किसी ने उड़ा भी दिया था, किसी लेडीज को। उसका केस तो आया था मेरे पास, उसका केस वाला आया था, लेडीज को जोड़ाया था। चलो ठीक है, उसी पिकअप से जब इसके मैंने इसके खिलाफ कम्प्लेन की तो फिर इसने पिकअप से मेरे को भी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया था। अच्छा, तुम्हें रंजीत मतलब तुम्हें उड़ाने की कोशिश किया था? उठाने के लिए तो वो जैसे ये इनका गूगल पे चलता है तो गूगल पे देख के उठाते हैं, फिर इसके यहाँ पे डलवा दिया मान लो आपने मटेरियल, फिर ये आपसे पैसे भी ले लेंगे और मटेरियल भी नहीं देंगे। फिर आप जाओगे इनके एड्रेस पे ये मिलेंगे नहीं। अच्छा, ये है इनका। और थाने वाले को कंप्लेन देने से थाने वाले जाते हैं तो क्या बोलते हैं थाने वाले? अरे सर, सब मिले हुए हैं, मैं क्या बताऊं। मुझे भी लगा बात करके, थाने वाले से भी मैंने बात किया था तो वो भी उसका भी यही कर रहा था कि वो ऑफिस बंद करके चला गया। कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना, ये सब बोलने से। चलिए कोई बात नहीं, उसके उसके जितने भी प्रूफ है ना वो मुझे सेंड ऑफ कीजिए। आप लड़का आता है तो पूछ कर, वो मैं करवा रहा हूँ। मेरे ही न्यूज चैनल है वो जो आप परसों देखे हैं। आप कहाँ से बोल रहे हो? परसों जो देखे हो ना मेरे ही न्यूज चैनल का निकला हुआ है वो लिंक है जो आप देखे हो। ये तो इनका तो बहुत, देखो मैं बताऊँ, आपने तो चलो ठीक है, आपने तो एक्शन ले लिया, बहुत सारे लोग हैं फिर फार के बैठ जाते हैं, क्या करें, देखो टूटी भी तो जाना होता है ना उनको। नहीं नहीं नहीं, मैं वो सब वो लोग में से नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड वो जाना नहीं है। अभी उसको पता चल जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा, उसका बोरिया बिस्तर बंद करवाने के लिए जाएगा। अभी योगी जी लगाएंगे उसका डंडा है ना, तब उसको अपने खुद लगेगा कि हाँ झंडा के नीचे रह के इस तरह चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हेलो, हाँ आ रही है, अभी बोलो। दूसरे लड़के के नाम जीएसटी नंबर ले लिया है, तो दूसरे नाम से आदर्श के नाम से कुछ कर रहा है। बजरंग जाकड़ कर रहा है कि कौन, मनीष कर रहा है, कौन कर रहा है? ये दोनों भाई तो है, बजरंग लाल और दोनों भाई है ये। अच्छा, और ये मनीष किसका नाम था? मनीष किसका नाम था? मैं आपको नाम बताता हूँ, रुको, किस नाम से इसने स्टार्ट किया है। एक तो इसने आदर्श इंडिया मूवर्स एंड स्टोरेज, और दूसरा नाम है इंडिगो एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा,
नाम से स्कैम कर रहा है, क्योंकि अब क्या मोनिस मूवी सेंटर करके तो बहुत चीजें का मतलब नाम का हो गया, बहुत ज्यादा स्कैम कर दिया, तो अब ये दूसरे नंबर से करेगा, 3-4 महीने इससे करेगा फिर नाम चेंज कर देगा, मतलब हर 3-4 महीने में 4th महीने नाम चेंज कर देता है ये। ओके, तो मूवर मनीष मनीष मूवर्स एंड पैकर्स के पहले किस नाम से ये करता था ये भी तो तुम्हें मालूम होगा? पहले ये राज एक्सप्रेस से करता था। राज एक्सप्रेस? पहले राज एक्सप्रेस, फिर बाद में मनीष मूवीज एंड पैकर्स, और अब इसने ये आदर्श मूवीज पैकर्स एंड स्टोरेज के नाम से अब ये करने लग गया। तो पहले राज एक्सप्रेस के पहले भी कुछ नाम रखा था? पहले का तो नहीं पता, इतना नहीं पता इससे पहले का। ओके, तो राज एक्सप्रेस उसका भी टाइप करके मुझे एक बार दे देना ना कि राज एक्सप्रेस किस तरह का था, वो क्या नाम से था। मैं आपको भेज दूंगा, आपको भेज देता हूं। उसका ऑफिस कहाँ रखा था वो? पहले स्टार्टिंग से ये जो जो खाना पड़ता है ना, ये स्टार्टिंग से उसी के आसपास रहता है, ताकि जो इसकी भीतर खाने में इसकी जान पहचान है। अच्छा, ओके। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।